हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस एंड वर्टिकल रिजर्वेशंस के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस क्या है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस में जो पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आते हैं, उनको कैसे जो है एडजस्ट किया जाता है, उनकी सिलेक्शन कैसे फ्रेम की जाती है, तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रिजर्वेशंस की कैटेगरीज है, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस और दूसरा वर्टिकल रिजर्वेशंस। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस में हमारे पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन आते हैं। पीडब्ल्यूडी की जो रिजर्वेशंस है वो 4% और एक्स सर्विसमैन की 6%, यानी ये 10% जो रिजर्वेशंस है ये बाद में जो है एडजस्ट की जाती है जब एक जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो फ्रेम कर दी जाती है। तो वर्टिकल रिजर्वेशंस में जो पहले से ही कैटेगरीज मौजूद होती हैं, जैसे ओपन मेरिट, RBA, SC, ST, तो ये वर्टिकल में आती हैं, क्योंकि इनकी पोस्ट पहले से ही मेंशन्स होती है कि ओपन मेरिट की कितनी वैकेंसीज हैं, RBA की कितनी पोस्ट्स हैं। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस होती है पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की, इनको जो है बाद में इन रिजर्वेशंस को काट के, इनकी पोस्ट को काट कर इनको जो है हॉरिजॉन्टली जो है एडजस्ट किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा प्रोसेस को देखेंगे, क्योंकि यही प्रोसेस जो है, यही स्टेप जो है JKSSB फॉलो करती आई है हर एक सिलेक्शन लिस्ट फ्रेम करने के लिए। और आने वाले टाइम्स में जो JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट होगी, या क्लास फोर्थ या अदर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वहाँ पर भी JKSSB जो है यही रूल्स जो है फॉलो करेगी। तो इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी कैंडिडेट्स कट पॉइंट के आसपास हैं, कितने कैंडिडेट्स जो है वो सेफ रहेंगे और कितने कैंडिडेट्स जो है वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से की लिस्ट जो वहाँ से आउट हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगी, लेकिन वीडियोस को एंड तक जरूर देखें, उसके बाद जो है आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो भी नई अपडेट्स आए वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है JKSSB की तरफ से, वो होता है एक जनरल मेरिट लिस्ट को फ्रेम करना। तो जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप में जो है वो फ्रेम कर दी जाती है। यानी जैसा कि आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो है लगभग 3000 के आसपास, यानी 2500 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर उनकी TV हुई है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ली गई। ये इसीलिए ली जाती है एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की, ताकि बाद में जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टफॉल उनकी ना हो, यानी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन ना करें उनको जो है, जो बाद वाले कैंडिडेट्स जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो है उनको मौका दिया जा सके। तो अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, तो वहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो एडवर्टाइज की गई थी वो थी 1889 पोस्ट। तो इन 1889 पोस्ट में से 946 पोस्ट जो है, 946 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट की एडवर्टाइज की गई, RBA की 196 और SC की 160 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई थी। और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो एक्स सर्विसमैन जो है उनकी 6% रिजर्वेशन है। तो 6% के हिसाब से अगर हम 6% ऑफ 1889 करें, तो 113 पोस्ट आती हैं, यानी 113 पोस्ट जो है वो इसकी वहाँ पर कौन एडजस्ट होंगे, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है बाद में हॉरिजॉन्टली इनको एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से PWD जो है इनकी 76 पोस्ट बनती है 4% के हिसाब से, और टोटल जो है अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 189 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन और PWD की जो है बनती है, और 189 कैंडिडेट्स जो है ये हॉरिजॉन्टली तौर पर जो है इनको एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से RBA में जो है देखें, तो RBA में जो है 12 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की आएंगी के एडजस्ट होंगे, और 8 जो हैं वो PWD कैंडिडेट्स वहाँ पर एडजस्ट होंगे। इस तरीके से 20 कैंडिडेट्स जो हैं RBA के, जो लास्ट वाले 20 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से उनको हटाकर इनको जो है हॉरिजॉन्टली जो है वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज में जो है एडजस्टमेंट की जाती है। तो अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। फर्स्ट स्टेप में जो है JKSSB जो है वो एक पूरी जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो फ्रेम करती है, जिसमें जो है ओपन मेरिट, RBA, ST, SC सभी कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पर आते हैं। तो सेकंड स्टेप जो रहता है वो होता है सबसे पहले ओपन मेरिट लिस्ट को फ्रेम करना, यानी जो 946 पोस्ट हैं 1899 में से जी ओपन मेरिट की हैं, तो ये 946 कैंडिडेट्स जो हैं वो ओपन मेरिट से जो है फर्स्ट ऑफ इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है, यानी मेरिट के हिसाब से 946 कैंडिडेट्स जो हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो 946 कैंडिडेट्स एडजस्ट किए जाते हैं, इसमें RBA, SC, ST, EWS, ALC यानी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। यानी ओपन मेरिट का मतलब ये हुआ कि ये सबके लिए ओपन है,
और यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट आ सकता है, चाहे वो जनरल मेरिट का हो, चाहे जनरल कैंडिडेट्स हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स हो, यानी जो भी कैंडिडेट्स टॉप 946 में फॉल करेगा वो ओपन मेरिट में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो सब सेकंड स्टेप जो रहता है वो रहता है कि 946 जो कैंडिडेट्स हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, उनकी जो है एक जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो, यानी ओपन मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो रहता है वो रहता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस इन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो है जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं जो हैं उनकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर एडजस्ट की जाती है, यानी अब यहाँ पर बारी आती है कट बट की। तो यहाँ पर एक्स सर्विस मैंस और PWD जो हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा इन 946 कैंडिडेट में से। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि एक्स सर्विस मैंस जिनकी रिजर्वेशन 6% है और 113 पोस्ट टोटल इनकी बनती है, लेकिन 113 में से 57 कैंडिडेट्स जो हैं वही सिर्फ 57 कैंडिडेट्स जो हैं वो ओपन मेरिट में एडजस्ट किए जाएंगे। 57 से जो है ज़्यादा हम ओपन मेरिट से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ओपन मेरिट की जो रिजर्वेशन रहती है वो 50% रहती है। तो 113 का जो 50% आएगा वो 57 आएगा, और 57 कैंडिडेट्स जो हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे ओपन मेरिट से, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि हमें देखना होगा कि इन 946 कैंडिडेट्स में पहले से ही अगर एक्स सर्विस मैन मौजूद हैं, पहले से अगर 44 एक्स सर्विस मैन यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर हमें सिर्फ 13 और जो है ऐड करने होंगे। तो 57 से ज़्यादा हम जो है ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको देखना होगा कि पहले भी अगर कोई मौजूद है एक्स सर्विसमैन, तो फिर हम जो शॉर्टफॉल होंगे, जो कम होंगे, उन्हीं को जो है यहाँ पर फिलअप किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मूव टू अवर टू रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। फिर जो है हमें जो कैटेगरी की जो लिस्ट होंगी, जो कैटेगरीज होंगी, उन्हें जो है एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि जब हमने 946 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की और वहाँ पर एक्स सर्विसमैन को एडजस्ट किया, वहाँ पर PWD कैंडिडेट्स को वहाँ पर एडजस्ट किया, उनको एडजस्ट करने के बाद जो वहाँ पर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स थे लोएस्ट पॉइंट पे, जैसे RBA के, जो RBA के वहाँ जो तो वहाँ से ओपन मेरिट थे वो तो बाहर हो गए, वो तो एग्जिस्ट हो गए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज के होंगे, जो RBA के होंगे, वो वहाँ से ड्राप होकर अपनी कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो सबसे पहले उनको जो है एडजस्ट करना होगा। जब वो एडजस्ट होंगे तो जो लोएस्ट पॉइंट पे RBA कैटेगरीज के कैंडिडेट्स होंगे वो एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो कैंडिडेट्स वहाँ से ड्राप किए गए उनको सबसे पहले वहाँ पर एडजस्ट करना होगा अपनी कैटेगरीज में। यहाँ पर भी ये बात देखनी होगी कि अगर इन 196 कैंडिडेट्स जो है कैटेगरीज है, जो है 196 जो RBA कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, इनमें अगर पहले से ही अगर हमें 12 कैंडिडेट्स चाहिए एक्स सर्विसमैन के, अगर ये 12 एक्स सर्विसमैन पहले से ही 196 में मौजूद हैं, फिर हमें कोई भी और एक्स सर्विसमैन जो है एडजस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि उनका कोटा पहले से ही ऑलरेडी फिल हो चुका है। लेकिन अगर वहाँ पर कैंडिडेट्स एडजस्ट नहीं हुए हैं या कुछ हुए हैं कुछ नहीं है, सपोज करते हैं वहाँ पर अगर 6 कैंडिडेट्स वहाँ पर RBA के एडजस्ट हैं, लेकिन 6% वहाँ पर अभी भी एक्स सर्विसमैन की पोस्ट खाली है, तो हमें सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को और ही जो है वो एडजस्ट करने होंगे ताकि 12 का कोटा पूरा हो जाए एक्स सर्विसमैन का। तो इसी तरीके से जो बाकी वाली कैटेगरीज हैं PWD की या एक्स सर्विसमैन की, SC ST वगैरह, वहाँ से भी ऐसे ही कट किया जाता है। तो ये स्टेप्स जो हैं JKSSB की तरफ से फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन लिस्ट को फ्रेम करने के लिए, यानी जो ओपन मेरिट की लिस्ट सबसे पहले जो है फ्रेम की जाती है, फिर जो है एक्स सर्विसमैन या PWD जो ओपन मेरिट के हैं वो वहाँ एडजस्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पर पहले से ही मौजूद ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स जो तो नहीं है, फिर उसके बाद जो है कैटेगरी से जो है वो कट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन और PWD की मेरिट लिस्ट है वो अलग से जो है उनकी मेरिट लिस्ट फ्रेम की जाती है, यानी जो उनके ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स होंगे वो जो टॉप वाले कैंडिडेट्स होंगे, जैसे 57 कैंडिडेट्स यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के होंगे ओपन मेरिट में, तो ये ओपन मेरिट में इनमें कोई भी इनमें कैटेगरी मैटर्स नहीं करेगी कि कौन सी कैटेगरीज है इनकी, ST है, RBA कौन सी है, लेकिन जो टॉप वाले 57 कैंडिडेट्स होंगे वो ओपन मेरिट में फॉल करेंगे।
तो इस तरीके से जो है JKSSB जो है ये लिस्ट को जो है कंप्लीट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स जो है वो समझ आ गए होंगे कि JKSSB जो है अपनी लिस्ट कैसे फ्रेम करती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया तो अभी कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।